नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जिप्सी भारत पे। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम चांगला बाबा से चलते पेगोंगसो लेक की तरफ स्पांगमिंग में आ गए थे, जहां पे हम अपने दोस्तों से फिर मिले। उसके बाद हम पेगोंग लेक के पास नज़दीक बिल्कुल शिफ्ट हो गए थे और वहां पे हमने अपनी रात गुजारी। अब अगली सुबह हम पेगोंग लेक की तरफ गए, तो आइए देखिए आगे हमने झील के किनारे क्या क्या किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेगोंगसो। गुड मॉर्निंग। तो हम जहाँ रुके हुए थे गेस्ट हाउस में, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में क्या खाया जा रहा था? आलू के पराठे। क्या बात है, आलू के पराठे और दही। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको मिलते हैं बाकी कैंपर्स के साथ। तो बस लगा हुआ था, ये वाला जो कीड़ा है ये विवेक जी के व्लॉग देख के, फिर गाड़ी वाड़ी बाद में ही सारा। हमारे व्लॉग्स देखे आपने कभी? सर नहीं देखे अभी, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, बट हमने वो कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। अब जयपुर में एक्चुअली मैं तो कम देखता हूँ, गीता है वो बहुत, मतलब वो लगी रहे, जब भी फ्री हो तो करते। इसने जबकि मुझे मना करा था कि मैं नहीं जाऊँगी, एक बार आपको जाती हूँ। फिर डॉटर से पूछती है कि आप पापा की वजह से जा रहे हो तो कि नहीं, अब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो जी सुबह हमारी कुछ इस तरह से शुरुआत हुई है कि अभी ये आपने देखा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, तो अभी आके हम मेहता जी से थोड़े गपशप कर रहे थे और उसके बाद अभी प्रोग्राम बना है बड़ा अच्छा सा। यहाँ से अभी हम जाएंगे पेगोंग लेक, और पेगोंग लेक पे थोड़ा एक थ्री इडियट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा समय यू अपना बिताएंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, आगे का प्रोग्राम बनाया जाएगा। जयपुर आके तो गाड़ी हो गई है पैक, सामान रख दिया है, और ये था हमारा गेस्ट रूम जहाँ हम रुके थे। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ से सामने आपको बिल्कुल सामने जो है पेगोंग लेक दिख रही है, और ये देखिए हमारे परिवार के बच्चे अपनी और पारुल डिस्कस करते हुए, और ये छोटा सा मंक आया हमारा। हम फिर से आ गए पेगोंग, और ये देखिए पीछे हमारी गाड़ी देख के बिल्कुल किनारे में, और हम यहाँ पे एंजॉय करते हुए। तो हम आ गए थे जो थ्री इडियट मूवी जहाँ शूट हुई थी, जिसको थ्री इडियट पॉइंट कहते हैं। तो आप भी देखिए जी, उसके पीछे यहाँ पे कितने कॉटेजेस और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं आपके लिए, और ये है पार्किंग एरिया थोड़ा, जहाँ पे आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी यहीं लगा दी है, और अब आपको हम दिखाते हैं सामने लेक। ये आ गई जी
कारवां, भारत की कारवां पहुंच गए पेंगोंग पे और रुद्रा जा रहा है उनको रिसीव करने के लिए। श्वेता भाभी आते हैं। भागो नहीं रुड़ी, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, लग रही है। आप दोनों का भरत मिलाप नहीं होना? हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। तो भरत मिलाप होते हुए दोनों का और ये पीछे पेंगोंग लेक देखा ऐसे बनते हुए, ऊन बना रहे, ऊन बना रहे, फिर इस ऊन से वो सब बनाते होंगे। शीप का ऊन है जिससे कि धागा बन रहा है और फिर इससे जो है गर्म कपड़े बनेंगे। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत। हाँ, ये देखिए जी, शीप की वूल से धागा बनता हुआ और फिर इस धागे से कपड़े बनाए जाएंगे। आप पहले भी आए, वो पहचानते हैं आपको, वो कह रहे हैं दो बार आए, वो आपको पहचानते हैं, कहते आप पहले भी आए हैं। वो इसलिए बोला कि बोला ना लेकिन पानी कम है। हाँ, एकदम क्रिस्टल। और ये देखिए जी, पीछे से हमारे मोस्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल कारवां कपल, भारत का नहीं रहा वो कारवां, भारत का। लेक में जाके जूते गीले कराए पूरे। कारवां भारत के बच्चे याद हो गए। अब हम एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे सच में। तू हवा, तू हवा, तू समा, तू समा, तू झलकता चंद्रमा, उस रोशनी में तू। इस जहन की ख्वाहिशों में तू ही है हरदम, दिल के हर एक घाव का तू ही है मरहम। तू हवा की है तरंग, झूमती उड़ती पतंग, दिल की है तू ही उमंग, खुशनुमा ये दिल। कैसा लग रहा है आपको आज? वही बैठे हैं, लेक का नजारा लेते हुए। पानी का लेवल काफी कम, पानी का लेवल कम हुआ है सर। नहीं, मैंने पानी सर ऊपर तक भी देखा, इंसान जहाँ पे ट्राइपॉड लगा है वहाँ तक भी मैंने पानी देखा है। दैट वाज वे बैक अराउंड 15 इयर्स बैक। क्या सर आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बोला तो हमने भी था सबको कि हम जाएंगे यहाँ से हानले, सुमरारी, लिंगला, पर वो विवेक जी का कुछ स्वास्थ्य अभी वो हम बताएंगे इस वीडियो के लिए। फिलहाल आपको बताई दी, फिलहाल जा रहे हैं। रियल लाइफ करते हैं मतलब, जल्द हुई अच्छा, छोटी सी मुलाकात और पर इस बहाने बहुत इंजॉय किया और क्या, यही होता है। तो भाभी जी मिलते हैं, नमस्कार, बाय करो, बाय करो दीदी को, सात्विक भैया को बाय नहीं करना, उठा सकते हो तुम तो उसको। तो अब हम पेंगोंग छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चुशुल की तरफ, और ये है पेंगोंग का आखिरी व्यू। रुद्रा ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया पेंगोंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो दिन था वो पेंगोंग झील के किनारे बिताया और उसके बाद हम बढ़ चले आगे की ओर, चुशुल होते हुए रजांगला मेमोरियल की तरफ। हमारे साथ कौन आगे बढ़ा और कौन पीछे रह गया ये आपके साथ हम साझा करेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए
थोड़ा सा सब्र। जय हिंद, जय भारत।